निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद चर्चा करने की बात कही। वहीं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने हो रहे सर्वे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत के चुनाव है। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। नशे के अवैध कारोबार को रोकने हमारी सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। प्रमाणित रूप से शराब के घोटाला करने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार के मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए, अवैध शराब की बिक्री के लिए, अवैध नशे के कारोबार के लिए, इन सब पर हमारी सरकार ये अवैध काम रोकने के लिए लगातार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। जो अवैध कारोबार नशे को लेकर हो रहा था, शराब को लेकर हो रहा था, उन सब पर ठोस और मजबूती से कार्रवाई की जा रही है। निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग सर्वे का काम कर रही है और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय और पंचायतों के आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित होगा।